सो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में। इसका अंदर भी स्पोर्ट्स या खुलता फुटबॉल से रिमर्स तस्वीर आज के वीडियो बिना किस देर के सबसे पहले बात करते हैं हीरो आईसीएल के बारे में। तो आईसीएल में आज मैच एफसी गोवा वर्सेस जमशेदपुर एफसी, एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच दोनों ही टीम के लिए, क्योंकि एफसी गोवा का फर्स्ट मैच उतना अच्छा नहीं था, जमशेदपुर का भी फर्स्ट मैच उतना अच्छा नहीं था। एंड इस मैच में मेरे हिसाब से एफसी गोवा की टीम में कुछ चेंजेस तो डेफिनेटली होंगे, जैसे कि लाइक सेडर फर्नांडिस को फर्स्ट 11 में मौका दिया जाएगा, ग्लेन मार्टिन्स का रोल इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एडू बेडिया को और ज्यादा बेटर गेम खेलना इस मैच में, एंड जॉर्ज ऑर्टिस मेंडोजा को मेरे हिसाब से फर्स्ट 11 से खिलाना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से जो फोर फॉरेन प्लेयर्स होंगे, इवन गोंजालेस, एडू बेडिया, जॉर्ज ऑर्टिस मेंडोजा एंड अल्बर्टो नोगेरो या फिर डिलन फॉक्स, अगर डिफेंस को ज्यादा सॉलिडिफाई करना है तो आपको डिलन फॉक्स को खिलाना चाहिए। एंड एज बिकॉज लाइक ब्रैंडन फर्नांडिस अवेलेबल नहीं होंगे इस मैच के लिए, तो मेरे हिसाब से अल्बर्टो नोगेरो को ही खिलाना चाहिए इस मैच में। बट अल्बर्टो नोगेरो का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस उतना इंप्रेसिव नहीं था, बट इस मैच में सेरिटन एंड सेवियर गामा का कॉम्बिनेशन हम लोग को फिर से देखने को मिलेगा। दो फुलबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एफसी गोवा के स्क्वाड में दोनों ही प्लेयर्स, और मेरे हिसाब से लाइक नोगदोम्बो नोरेम को फर्स्ट मैच से मतलब फर्स्ट लाइनअप से खिलाना चाहिए, शुरुआत से खिलाना चाहिए, क्योंकि लास्ट मैच में उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा था मुझे। एंड एक अच्छा स्पीड के साथ ऑपरेट करते हैं, हाफ स्पेसेस निकालते अच्छे खासे, तो मेरे हिसाब से वहां पर एफसी गोवा कुछ चांसेस क्रिएट कर सकते हैं। एंड लास्ट मैच में भी नोगदोम्बो नोरेम के कारण एफसी गोवा ने कुछ चांसेस क्रिएट किया था, तो उनको फर्स्ट 11 से खिलाया जा सकता है। और अगर हम लोग जमशेदपुर का बात करें, तो जमशेदपुर का जो स्क्वाड है वो मिडफील्ड में थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो एलेक्स लीमा एंड प्रणय हल्दार, इन दोनों प्लेयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सिमलन डोंगल का भी रोल इंपॉर्टेंट होगा इस मैच में। एंड मेरे हिसाब से डिफेंस उनका काफी सॉलिड है, मतलब पीटर हार्डली के ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है, ये भी सच है, बट मेरे हिसाब से नरेंद्र गहलोत को एज अ सेकंड डिफेंडर खिलाना चाहिए, क्योंकि तभी आप फॉरवर्ड में और ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स को डाल पाओगे। अब ग्रेग स्टीवर्ट है आपके पास जॉर्डन मरी जैसे फॉरेन प्लेयर्स है, तो वहां पे अगर आप एक एक्स्ट्रा इंडियन डिफेंडर खिलाते हो तो आप फॉरवर्ड में फॉरेन प्लेयर्स को ला सकते हो, जहां पे आपके पास क्वालिटी अटैकिंग प्लेयर्स है फॉरवर्ड में, तो आपको मेरे हिसाब से वही लाइनअप यूज करना चाहिए जो कि ज्यादा सुटेबल है टीम को। एंड एज बिकॉज ओएन कॉयल को अटैकिंग फुटबॉल खेलना पसंद है, तो मेरे हिसाब से फॉरवर्ड में वही चूज करना चाहिए। एंड ईशान पंडिता को अगर हो सके तो मौका मिलेगा इस मैच में। एंड अगर हम लोग अभी माइल एवं सकल में टीम बना देते हैं, तो गोलकीपर मैंने चूज किया धीरज सिंह को, क्योंकि नो डाउट काफी वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है। एंड रैनेश टीपी का परफॉर्मेंस लास्ट मैच में काफी बिलो एवरेज था। डिफेंडर्स मैंने चूज किया है पीटर हार्टली, इवन गरेडो गोंजालेस एंड सेरिटन फर्नांडिस को, एंड मेरे सबसे तीनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आज के मैच में। मिडफील्डर्स मैंने चूज किया ग्लेन मार्टिन्स, एलेक्स लीमा, एडू बेडिया एंड प्रणय हल्दार को। एंड मेरे हिसाब से लाइक ग्रेल मार्टिन्स एंड एडू बेडिया गोवा का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एंड एलेक्स लीमा एंड प्रणय हल्दार जमशेदपुर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फॉर्ड मैंने चूज किया निर्जिस वाल्सकिस, जॉर्ज ऑर्टिस मेंडोजा एंड ग्रेग स्टीवर्ट को। मुझे पता है ग्रेग स्टीवर्ट शायद खेले या ना खेले, बट एज अ सब्स्टिट्यूट मेरे हिसाब से उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप चाहो तो जॉर्डन मरी को भी सिलेक्ट कर सकते हो इस पोजीशन में, ईशान पंडिता को भी कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली लगता है कि इस मैच में ग्रेग स्टीवर्ट को रखा जाएगा स्टार्टिंग 11 में। अगर रखा भी नहीं जाता एंड अगर बाई चांस जमशेदपुर एफसी पहले हाफ में गोल कंसीड कर जाते, तो ग्रेग स्टीवर्ट को सेकंड हाफ के शुरुआत में ही लाया जाएगा। एंड कैप्टन मैंने निर्जिस वाल्सकिस को बना, क्योंकि लाइक अ वेरी टॉप लेवल प्लेयर। एंड वाइस कैप्टन मैंने जॉर्ज ऑर्टिस मेंडोजा को बना, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि जॉर्ज ऑर्टिस मेंडोजा को फर्स्ट 11 में खिलाया जाएगा। एंड ये मेरा माइल एवे सर्कल का टीम। एंड अगर अभी तक आपने माइल एवे सर्कल डाउनलोड नहीं किया था, डेफिनेटली डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिंड कमेंट में दोनों ही जगह में मिल जाएगा। एंड बहुत एक अच्छा ऐप है, इस ऐप में टीम बना के मैं अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेता हूँ। आप भी यहाँ पे टीम बना के अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। एंड अभी आईएसएल भी चल रहा है, तो जरूर डाउनलोड करना माय लेवल सर्कल को। एंड अगर आप मेरे देवे लिंक से माय लेवल सर्कल को डाउनलोड करते हो, आपको 20% तक का एक्स्ट्रा कैश मिलेगा अपने पहले डिपॉजिट में, और इसी के साथ साथ आपको 1500 का बोनस भी मिलता है अपने पहले डिपॉजिट में। सर किस बात का वेट करो, डेफिनेटली माय लेवल सर्कल आपको जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, एंड जरूर डाउनलोड कीजिए माय लेवल सर्कल। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। सबसे ओवर इंडिया वर्सेस ब्राजील को लेके, सो आज था मैच इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम का फोर नेशन कप में इंडिया वर्सेस ब्राजील, एंड व्हाट अ हिस्टोरिक मैच फॉर इंडिया। इंडिया ने ये मैच हारा है 1-6 से, बट एक गोल इंडिया ने किया है एंड एक टाइम पे स्कोर लाइन था 1-1। शुरुआत के एक मिनट के अंदर ही ब्राजील ने गोल कर दिया था, बट इंडिया ने भी 8 मिनट में गोल किया, एंड इंडिया को गोल किया मनीषा कल्याण ने, एंड अ हिस्टोरिक डे फॉर इंडियन वुमेन्स फुटबॉल। बहुत बहुत अच्छा लगा गेम देख के,
एंड मैं बहुत प्राउड हूँ कि इतना बढ़िया खेला इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम ने। मानता हूँ कि 6 गोल कंसीड किया है, बट ओपन फुटबॉल, एक पॉजिटिव फुटबॉल जो देखने में अच्छा लगता है, वैसा फुटबॉल मैच खेला है। एंड मुझे पता है कि बहुत लोगों ने ये मैच नहीं देखा होगा या फिर मिस कर गए होंगे, क्योंकि ये मैच सुबह 6:30 बजे था। तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, आप इसको यूट्यूब में फिर से देख सकते हो, अवेलेबल है। एंड अगर आपको टीवी में देखना है तो डीडी स्पोर्ट्स में इस मैच को लाइव दिखाया जाएगा 6:30 बजे शाम को, आप वहां पे भी देख सकते हो। एंड डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा लगा गेम देख के, स्पेशली इंडिया का मिडफील्ड का जो फंक्शनिंग था वो काफ़ी अच्छा था, पासिंग एक्यूरेसी काफ़ी मुझे अच्छा लगा, स्किल है इंडियन प्लेयर्स के पास। एंड लाइक जो फुटबॉल गेम्स हम लोग देखना चाहते हैं, जिस लेवल का फुटबॉल गेम हम लोग देखना चाहते हैं, उस लेवल का गेम हम लोग को देखने को मिला है, चाहे वो वुमेंस फुटबॉल से क्यों ना हो। एंड डेफिनेटली बहुत बहुत कमाल का मैच था इंडियन वुमेंस फुटबॉल टीम के लिए, एंड एक अलग एक्सपीरियंस गेन किया इंडियन वुमेंस फुटबॉल टीम ने। एंड लाइक अगर हम लोग नेक्स्ट मैचेस का बात करें, चिली एंड वेनेजुएला, तो वो ब्राज़ील जितना उतना स्ट्रांग टीम नहीं है। ब्राज़ील का करंट फीफा रैंकिंग है 7, विच इज़ प्रिटी प्रिटी हाई। इंडिया का करंट फीफा रैंकिंग है 57, जो कि काफ़ी कम है ब्राज़ील से, बट फिर भी इंडिया ने एक अच्छा खासा टक्कर दिया है। बट चिली एंड वेनेजुएला इंडिया के ही लेवल के टीम है, एंड वहां पर इंडिया डेफिनेटली जीत सकते हैं। एंड इस मैच में फोर्मिगा, जो कि एक बहुत बहुत बड़े ब्राज़ील के प्लेयर है वुमेंस फुटबॉल में, वो रिटायर कर चुके हैं। एंड जो भी हो, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया फॉर दिस मैच, क्योंकि एक अलग एक्सपीरियंस है सिर्फ इंडियन वुमेंस फुटबॉल टीम के लिए नहीं, इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए भी। एंड इस मैच के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। सिलेक्ट हो इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल जो पीएसजी, तो पीएसजी करेंटली बात कर रहे जिदान के साथ ताकि वो रिप्लेस कर सके पोचेटिनो को, एंड ये फ्रेंच मीडिया ने कवर किया। एंड लाइक अगर यूनाइटेड होता तो मैं बोल देता कि नहीं, शायद वो यूनाइटेड में नहीं आएंगे, बट पीएसजी हो सकते, क्योंकि सबसे पहले तो पीएसजी एक फ्रेंच क्लब है, बस यही एक रीजन है जो कि मैं करेंटली ढूंढ पा रहा हूँ। एंड लाइक जिदान बहुत मूडी कोच है, उनको जिस टीम को मैनेज करना है वो उसी टीम को मैनेज करेंगे। एंड अभी तो खैर जिदान जिस लेवल में पहुंच चुके हैं, मतलब अगर उनका मन नहीं हो तो वो कोचिंग नहीं करेंगे उस क्लब को। सो डेफिनेटली पोचेटिनो को रिप्लेस करने का जो चॉइस है पीएसजी का, वो ऑफकोर्स मैनेजमेंट का चॉइस है, बट मेरे हिसाब से पोचेटिनो को और थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, टीम को प्रॉपरली सेट करना होता है। एंड जब इस टीम में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तो ईगो क्लैशेज होते हैं, प्रॉपर लाइक प्ले टाइम देने का एक झमेला होता है, अगर किसको प्ले टाइम दे प्रॉपरली, इतना अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं एक टीम में, तो बहुत प्रॉब्लम है पीएसजी में। मुझे पता है मेसी का फॉर्म एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉपर लाइक हर एक प्लेयर को टाइमिंग देना, मतलब प्ले टाइम देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर लाइक डीमारिया जैसे प्लेयर्स को अगर प्रॉपर प्ले टाइम नहीं मिलता तो वो डेफिनेटली खुश नहीं होंगे कि यार मैंने इस क्लब के लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ दिया है, एंड एंड में आके मुझे ही प्रॉपर प्ले टाइम नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली कोई भी प्लेयर गुस्सा हो जाएगा। तो ये अभी भी है पीएसजी के अंदर। एंड अगर हम लोग जिदान का बात करें तो हो सकता है कि जिदान पीएसजी में आ जाए, बट डेफिनेटली अभी तो बस शुरुआत हुआ है। एंड जिदान का ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, एंड जिदान का एटीट्यूड बता देता है कि वो मिड सीजन में तो किसी भी टीम को टच नहीं करेंगे, या तो वो सीजन के स्टार्ट में आएंगे या तो नहीं आएंगे। एंड देखते कि क्या जिदान पीएसजी में फाइनली आते हैं नहीं। तो अच्छी खबर डुसान व्लाहोविच की तरफ से, तो डुसान व्लाहोविच मैंने बोला है कि ये नाम आप याद रखिए, क्योंकि ये नाम इंटरनेशनल ट्रांसफर मार्केट में आप बहुत ज्यादा सुनने वाले हो, क्योंकि फ्लोरेंटिना को इन्होंने इतना अच्छा गेम खेला है सीरिया में करेंटली कि यार मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, एंड टीम्स का इंटरेस्ट होने इनके ऊपर बनता भी है। एंड करेंटली 4 प्रीमियर लीग के क्लब्स ने इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है, एंड एक सीरिया के क्लब ने, तो बेसिकली जुवेंटस ने इंटरेस्ट दिखाया इनके ऊपर। एंड अगर वो जुवेंटस को छोड़ दे तो यूनाइटेड, स्पर्स, न्यूकैसल एंड टू सम रिपोर्ट्स मैनचेस्टर सिटी ने भी इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि इनको रिप्लेस करना है एगुएरो को, एंड बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। यूनाइटेड का तो मुझे उतना समझ में आ नहीं रहा है कि क्यों उनको एक फॉरवर्ड प्लेयर चाहिए, जहाँ पे उनके पास कवानी है, मेसन ग्रीनवुड जैसे प्लेयर्स है, रोनाल्डो, इतने सारे फॉरवर्ड प्लेयर्स है, उसके बाद भी आपको डुसान व्लाहोविच चाहिए। तो मेरे हिसाब से एज अ प्लेयर उनके लिए यूनाइटेड में जाना थोड़ा सा लॉस ही होगा, क्योंकि उनको उतना शायद प्ले टाइम ना मिले, बट टोटेनम में उनको प्ले टाइम मिल सकता है, न्यूकैसल में उनको डेफिनेटली प्ले टाइम मिलेगा, जुवेंटस में उनको प्ले टाइम मिल जाएगा, सिटी में भी उनको प्ले टाइम डेफिनेटली मिलेगा। एंड देखते फाइनली डुसान व्लाहोविच कौन से क्लब में जाते हैं। सो गाइस आज की इतना ही, एंड हाँ डेफिनेटली माय लेवल सर्कल को जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में एंड पेंट कर्व इसका लिंक आपको मिल जाएगा, एंड जरूर डाउनलोड कीजिए माय लेवल सर्कल।